तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक ऐसा फैमिली शो है जिसे लगभग हर कोई पसंद करता है। पिछले 16 सालों से दर्शकों को हंसा रहा ये शो कई बार विवादों में भी आया, लेकिन इस शो के फैंस का प्यार शो के लिए नहीं बदला। हालांकि शो से कुछ पुराने एक्टर्स ने विदा जरूर ले ली। अब खबर आ रही है कि एक और एक्टर ने शो को अलविदा कह दिया है। शो से विदा लेने वाले एक्टर के तौर पर शरद संकला का नाम सामने आ रहा है। शरद संकला शो में अब्दुल का किरदार निभाते हैं। अब्दुल शो के पहले एपिसोड से ही दर्शकों के साथ जुड़े हुए हैं। शो में अब्दुल गोकुलधाम सोसाइटी के बाहर ही एक किराना शॉप चलाते हैं, साथ ही वो सोसाइटी के भी छोटे मोटे काम किया करते हैं। ओटीटी प्ले की रिपोर्ट के मुताबिक शरद संकला ने मई 2024 को कुछ कारणों के चलते शो को छोड़ दिया था। शो के लेटेस्ट एपिसोड में शरद संकला की गैर मौजूदगी के चलते ये अफवाह तेज हो गई है कि एक्टर ने शो छोड़ दिया है। हालांकि शरद की तरफ से या शो के मेकर्स की तरफ से इन खबरों की कोई पुष्टि नहीं की गई है। हालांकि पिछले 4 एपिसोड से अब्दुल यानी शरद संकला शो से गायब है। शनिवार के एपिसोड में देखा गया कि माधवी कहती है कि अब्दुल का फोन नहीं लग रहा है और उसने शनिवार की शाम से अपनी दुकान नहीं खोली है। गोकुलधाम सोसाइटी में इस वक्त हर कोई अब्दुल को लेकर परेशान है। गोकुलधाम के सदस्यों का मानना है कि अब्दुल पर 50,000 की उधार है, इसीलिए वो सोसाइटी छोड़कर गायब हो गया है। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।